फिर से दुल्हन बनने की हिम्मत नहीं है मुझ में, बल्कि पहली बेवकी का हिसाब लेना। पता लगाना है कि मैंने उस शख्स का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया, जिसने मुझसे मेरा अम्मा छीन लिया। जिंदगी तो मिली थी मुझे, कैसे उसने एक गोली में मेरी सारी जिंदगी खत्म कर दी है। जब तक मैं हम्माद की मौत का हिसाब नहीं लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। कदर, कदर, क्या बैरों की तरह बैठी हुई? बाहर पुलिस आई है, चलो। पुलिस? अब क्या करने आई है पुलिस भाभी? जिसको जाना था वो तो जा चुका है। मुझे तो लगता है तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। मुझे गिरफ्तार करने? मैंने क्या जुर्म किया है? ये तो तुम्हें पुलिस बताएगी। मुजरिम से जुर्म कबूल करवाना पुलिस का ही काम है, मेरा नहीं। अगली सुनवाई, कान पक्के सुन सुनकर। यार तुम परेशान मत हो, अगली सुनवाई तक जमानत हो जाएगी। अगली सुनवाई 2 माह बाद है, क्या चाहते हैं 2 महीने जेल में सड़ता रहूं? यार ये अदालत का फैसला है, बात तो माननी पड़ेगी ना। तुझे वकालत की डिग्री दी किसने? जी सर। अबे क्या जी सर, ढंग से बोला जाता नहीं है तुझसे, जज के सामने हवाइयां उड़ जाती हैं, बकरी की तरह मैं करने लगता है तू। मेरे बस में होता ना तो तुझे जमादार की नौकरी दिला देता। You don't have right to insult me. Shut up! Insult का बच्चा। अरे यार, cool down. Relax. क्या हो गया तुम्हें? ये कोर्ट है, लोग क्या सोचेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपको बता रहा हूँ इन्होंने। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। शफीक को बुलाए, उसे कहे मुझे निकाले यहां से बाहर, 2 महीने जेल में नहीं छोड़ूंगा मैं। तो आइंदा मेरे सामने आया ना, मेरी अगली गोली का निशाना तो बनेगा। एक हफ्ता इमरान भाई, एक हफ्ता। अगर मैं जानती होती कि मेरे शोहर का कत्ल किसने किया, कि मैं बताना देती सबको। अच्छा अच्छा ठीक है, ये सफाई है ना, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बाहर पुलिस आई है, जो कहना है उनको जाके कहो। मैं क्या कहूँ पुलिस से भाभी, क्या कहूँ? मेरे शोहर कैसे मरा है मुझे क्या पता, मुझे क्या पता उसकी कैसे मौत हुई। नहीं बल्कि मुझे पता है, मुझे पता है उसे कैसे मौत हुई है। मेरी गलती है, मैं उसको उस घर में लेके गई थी। मुझे मालूम था वहां गोली चलने वाली है, मुझे मालूम था अभी गोली चलेगी, मैं बाहर लेके जाऊंगी, उसको गोली लगेगी, मेरी वजह से मरा है, मेरी वजह से मरा मेरा शौहर। अगर मैं ना लेके जाती ना, वो जिंदा होता। मेरी वजह से मरा मेरा शौहर, मेरी वजह से मरा। क्या हुआ इसे, ये ऐसा क्यों बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, मैं इसे बता रही थी कि पुलिस आई है, ये डर गई कि पुलिस को गिरफ्तार करने आई है। अम्मी, अम्मी मैंने मारा है। मी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने अपने शोहर को मारा है। ना मैं उसको लेके जाती, ना उसको ये होता, अम्मी आज वो हमारे साथ होता, मैं कसूरवार हूँ। बताएं, बताएं सबको मेरा कसूर है सारा। कुछ नहीं है, सब पागल हो गई हो तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। उस दिन जो कुछ हुआ बस तुम्हारा बयान लेने आई है पुलिस। यही तो मैं से कह रही थी, जो कुछ हुआ सब बता दो। अम्मी काश हम ना जाते उस दिन, अम्मी काश हम ना जाते। कितना खुश थे हम दोनों, कितनी प्लानिंग कर रहे थे, बस बस अपने अपने घर से हम निकले कि अचानक गोलियां चलने लग गई। अभी हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसमें से एक गोली आके हम हाथ को लग गई। सब कुछ खत्म हो गया। मतलब के वासे अहमद आपके शोहर को मारने के इरादे से नहीं आया था, ये वाकया हादसाती तौर पे पेश आया। मैं नहीं जानती,
मैं नहीं जानती कि वो आदमी वहां क्यों और किस लिए आया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरे सर पे से सायबान छीन लिया है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ दी है, मुझसे मेरा घर छीन लिया, मेरा शौहर छीन लिया है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा बहुत भी इंसाफ बचा है ना, तो आप मेरे शौहर को इंसाफ दिलवाएंगे, उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। आज के बाद किसी लड़की का घर ना जुड़े, किसी लड़की का घर ना जुड़े। मेरा भाई कहाँ? वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब फिक्र ना करूं? तुम मुझे कहकर गए थे कि आज उसकी जमानत हो जाएगी और वो हमारे साथ आज घर पे होगा। Just relax darling, मुलाजिम खड़े हैं, वो देख रहे हैं। इमरान, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वासे कहाँ है? उसे लेकर क्यों नहीं आए तुम? जान, just cool down. मैं जानता हूँ तुम किस फेज से गुजर रही हो। आओ आओ अंदर चलो, अंदर कमरे में बैठकर आराम से बात करते। अरे मैं भी कोर्ट के धक्के खाकर बहुत थका हुआ हूँ। चलो आओ कमरे में आओ, आ जाओ। आओ, साड़ी चेकी है, कितनी खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत महंगी भी होगी। वैसे मैंने ना अम्मी सभी से कह दिया है, मैं किसी बहुत ही अमीर आदमी से शादी करूंगी जिसके पास ऐसी शानदार गाड़ी हो, बड़ा सा खूबसूरत घर हो, थोड़े नौकर चाकर हो, ताकि मैं बस मलिका की तरह आराम से उस घर में रहूं। लो जी, मैडम दुरिया ने दिन दहाड़े ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। इसमें ख्वाब की क्या बात है? मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है। तुम लोग देखना, मेरी एक एक ख्वाहिश पूरी होगी, अल्लाह करे। लेकिन तुम सिर्फ खुदा से ऐशी इशरत की ख्वाहिश मत किया करो, उससे दुआ करा करो कि तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम्हारा होने वाला शौहर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करे और तुम्हारे सारे नाजो नखरे उठाए और तुम्हारा हर सुख दुख का साथी हो। बातें सुनिए इसकी, मैं खुदा से ऐसी चीज क्यों मांगू जो उसने मुझे ऑलरेडी दे दी है? मतलब ये कि मुझमें कोई कमी है क्या? जब किसी भी लड़के को इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी तो मोहब्बत तो उसे खुद ही हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। बस एक नजर देखेगा मुझे और मेरे पीछे पागल हो जाएगा। देख लो दुरिया, तुम्हारी इस पैसे की मोहब्बत और गुरूर ने कैसे तुम्हें मुंह के बल पटखा है। काश तुमने उस वक्त अपने माँ बाप की बात मान ली होती, काश तुमने अपने साथी का चुनाव हैसियत की बुनियाद पर नहीं शख्सियत की बुनियाद पर किया होता। आपके पास भी यकीनन कोई जिल्लत की कहानी होगी। बद अखलाक इंसान के शर से कोई नहीं बच सकता। बद अखलाक, बदतमीज और दीवाना भी। इसी दीवानगी के तो मजे लूट रहा है वो कैद में। ठीक है, तो फिर सोचना क्या, हाथ मिलाओ और लग जाओ काम पर। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर वासे को पता चल गया तो वो बाहर निकल कर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा और एक बार फिर वो हम दोनों के कत्ल के इल्जाम में जेल में होगा। अगर वो बाहर निकला तो? जो मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अब कोर्ट के फैसले में जरा देरी नहीं चाहता। दो, सिर्फ दो हेयरिंग और आपका साला या तो फांसी के तख्ते पर, ये सारी उम्र जेल की काल कोठरी में, और आप इस वासे एंटरप्राइजेस के अकलौते मालिक।